मुख्यमंत्री बोले बेरोजगारी के आंकड़ों पर हंगामा वॉकआउट, छत्तीसगढ़ में कम बेरोजगारी दर गर्व की बात। बस्तर में सिर पर टोपी हाथ में ढोल लेकर नाचे मंत्री लखमा, मेले में जमकर झूमे पूर्व मंत्री बोले ये चीयर लीडर्स की तरह नाचते हैं। रायपुर में कोटवारों का प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग, बोले भूमि राजस्व कानून में भी सुधार होना चाहिए नहीं तो हम और से जवाब देंगे। रायपुर में समाज कल्याण विभाग ने मंगाए आवेदन, पहली बार थर्ड जेंडर वालों को देंगे 350 रुपए महीना पेंशन, 300 से ज्यादा की पहचान भी। योजना लाभ में बाधा, 22 लाख बच्चों को अभी नहीं मिल पाएगा मुफ्त इलाज क्योंकि इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, वजह आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं। बस्तर में ग्राम सभा का फैसला, अन्य धर्मों के लिए फरमान, किसी के घर काम पर जुर्माना, सौ नहीं दफना सकते। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, बीजापुर में ओले गिरे, रायपुर बिलासपुर दुर्ग में बूंदाबांदी, 20 मार्च तक ऐसे ही रहेगा माहौल। विधानसभा में बोले सीएम भूपेश, प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के हित के लिए लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलासपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, पहला सहकारी बैंक जहां मैनेजर से लेकर प्यून तक महिला, बैंक आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परीक्षा में कम या ज्यादा नंबर क्यों मिले, छात्र देख सकेंगे आंसर शीट, इस पर पुनर्मूल्यांकन भी। राजधानी में आज हल्के बादल, शाम रात में गरज चमक के साथ बौछारे भी। कोरबा में नियमितीकरण पर प्रशासन सख्त, 3600 को नोटिस, 807 ने दिए आवेदन, 31 मार्च के बाद 10% अतिरिक्त शुल्क। कांग्रेस ने निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, केंद्र पर महंगाई बढ़ने का आरोप, यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना मकसद। कोरबा में अनिश्चितकालीन हड़ताल, पंचायत सचिव गए हड़ताल पर, इधर जिला पंचायत सीओ ने 7 सचिवों के बदले प्रभार। ट्रेनों की लेटल टिफी से बचने, अफसरों का नया फार्मूला, 20 मार्च से रायगढ़ मेमू 1 घंटे पहले व कोरबा मेमू 30 मिनट देर से छूटेगी। बिलासपुर के रामकृष्ण नगर का मामला, जमीन की खरीदी बिक्री में गड़बड़ी, समिति के पास दस्तावेज नहीं, हर कदम पर तोड़े गए नियम। कोटवार एसोसिएशन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बोले सरकार ने मानदेय तो बढ़ा दिया लेकिन हमें शासकीय कर्मचारी नहीं किया घोषित, रैली निकाल कर जताया विरोध। रायपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, 4 साल से बंद तेलीबांधा सर्विस रोड खुलेगी, अवंती बिहार तक बढ़ाएंगे, चौक का ट्रैफिक भी होगा कम। छत्तीसगढ़ के एम्स में ही होगा नार्को टेस्ट, सच उगलवाने वाली नई मशीन पहुंची, गृह मंत्री ने कहा दुर्ग में फॉरेंसिक साइंस कॉलेज का प्लान। आरटीआई के नियमों के बदलाव के बाद 68 स्कूल पीछे हटे, नए नियमों पर सख्ती हुई तो कई स्कूलों में लग जाएंगे ताले। माता पिता का नाम रोशन किया, आरती को 10 साल की उम्र में मिला था वीरता पुरस्कार, तब भी कहा था डॉक्टर बनूंगी और बनकर दिखाया। रायपुर में चोरी की वारदात, बोरिया कला के 30 सुने मकान में घुसे चोर, लोग जागे तो पथराव कर भागे। बड़ौदा बाजार के किराना दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक, जेसीबी से ऊपरी मंजिल की दीवार तोड़कर पाया गया आग पर काबू। बिलासपुर में येलो अलर्ट, मार्च में बदली और बारिश, सीजन में पहली बार पारा 7 डिग्री लुढ़ा कर 30 पर। दुर्ग एसडीएम लक्ष्मण तिवारी के जांच में खुलासा, कोहका पटवारी के कार्यालय में छापा, 5.26 लाख रुपए कैश मिला, किया गया निलंबित, जांच अभी भी जारी। भिलाई में मौसम का बदला मिजाज, 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी, अंधड़ बारिश बिजली के साथ ओले भी गिरने के आसार। दुर्ग भिलाई में 94 तालाबों की सफाई पूरी, 92 अमृत सरोवर बनेंगे, 80 लाख से लक्ष्मण नगर तालाब सौरेगा। अंबिकापुर में ट्रक ने मारी टक्कर, 90 के 2 छात्रों की मौत, बाल कटवाने जा रहे थे, रास्ते में हुआ हादसा, लोगों ने किया चक्का जाम। 8 लाख होंगे खर्च, लुड्रा के अस्कला निवासी बालक के इलाज की कार्यवाही स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन में कराई पूरी। अंबिकापुर में बादलों के बीच बूंदाबांदी, 24 घंटे में 4 डिग्री लुढ़ा कर दिन का तापमान 28.60 पर पहुंचा। कोरिया में राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई, 50 ट्राली रेत और 1 लाख से अधिक ईंटें जब्त। अंबिकापुर में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही, सिक्का डालने के बाद भी वाटर एटीएम से पानी नहीं, दोपहर तक सार्वजनिक नल की टंकी खाली। बालोद में पिकअप पलटी, 17 महिलाएं घायल, धरने में शामिल होने गई थी, लौटते वक्त हुआ हादसा, 4 की हालत गंभीर। कोरिया में बारिश से मौसम का मिजाज अचानक बदला, ठंडी हवा चलने से 4 डिग्री घटा तापमान, गर्मी से मिली राहत। नैला सिन्नी रेलवे फाटक बंद, अंदर ब्रिज में भरा पानी, ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 3 बार हो चुका है सर्वे लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। जांजगीर में पुलिस की कार्रवाई, 250 लीटर महुआ और 23 लीटर बियर के साथ 2 गिरफ्तार। जांजगीर के अकलतरा के जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, भगवान आदित्यनाथ की निकाली गई शोभा यात्रा। जांजगीर में सचिवों एआरईओ को जिला पंचायत सीओ ने लगाई फटकार, गोबर खरीदी में रहे निष्क्रिय, सीओ की बैठक में भी नहीं पहुंचे, कुछ लोगों को नोटिस के निर्देश। जसपुर के जंगल में आगजनी, झुंड से बिछड़कर नन्हा हाथी मृगखोल गांव पहुंचा। जसपुर में पंचायतों का निरीक्षण, शासकीय योजनाओं में काम हो रहे या नहीं जानने के लिए गोठान पहुंचे कलेक्टर। जसपुर में एसडीएम ने कहा पीएम आवास बनाने के लिए 13-13 हेक्टेयर जमीन चिन्हित, 16 माह से सो रहे हैं साहब, बोर्ड ने स्पेशल टैग हटाने के लिए कहा, फिर भी रेलवे ने वसूला 2 गुना किराया। कोरबा में धार्मिक आयोजन, वाराणसी के अघोरी, वृंदावन के राधा कृष्ण, दिल्ली के बाहुबली हनुमान लला की झांकी नजर आएगी। कोरबा में बूंदाबांदी के बीच जीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, एसीसीएल कर्मियों की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग, डीजल चोरों द्वारा पथराव व मारपीट करना बताया। रायगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, छेड़ा अभियान, 3 खाईवाल और 19 सटोरिये गिरफ्तार।
रायगढ़ में बाउंड्री वॉल बनाने पर विवाद। दो पक्ष आमने सामने। राजीव नगर दूध डेयरी के पास कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा का आरोप। अफसर व पुलिस पहुंची। रायगढ़ में कृत्रिम हाथ और पैर प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। रोटरी क्लब स्टील सिटी में लगाया था 5 दिवसीय शिविर। 88 दिव्यांगों को मिले पैर और 15 को हाथ।